हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारत रत्न 2019 में किन किन को प्रदान किया गया है और वे कौन कौन से क्षेत्र में अपना योगदान दे चुके हैं। इन विभिन्न विषयों पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे, तो बने रहे इस वीडियो के साथ अंत तक। सबसे पहले भारत रत्न के पृष्ठभूमि को थोड़ा सा जान लेते हैं। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई थी। यह 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। भारत रत्न जो है यह भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, जो कला, संस्कृति व विज्ञान के प्रवर्धन हेतु की गई विशिष्ट राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। अब यह खेल के क्षेत्र में भी दिया जा रहा है। अब आइए बात कर लेते हैं 2019 में भारत रत्न से सम्मानित उन व्यक्तित्व को जिनको ये पुरस्कार से नवाजा गया है। सबसे पहले पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दूसरा नंबर भूपेन हजारिका जो संगीतकार हैं, और तीसरा नंबर नानाजी देशमुख जो समाजसेवी हैं। अब इनको एक एक करके हम लोग इनके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले प्रणब मुखर्जी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म 11 दिसंबर 1935 को हुआ। स्थान मिराती गांव, बीरभूमि जिला, पश्चिम बंगाल। पिता का नाम कामदा किंकर मुखर्जी, माता राजलक्ष्मी मुखर्जी। पेशा वकील, पत्रकार, प्रोफेसर शुरुआती दौर में, बाद में चल के वित्त मंत्री के पद पर, रक्षा मंत्री और अंत में भारत के 13वें राष्ट्रपति बने। अब आइए दूसरे नंबर में नानाजी देशमुख को देख लेते हैं। इनका कार्य समाज सेवा रहा है। इनका जन्म 11 अक्टूबर 1916 ईस्वी को, स्थान हिंगोली महाराष्ट्र में। पिता अमृतराव देशमुख, माता राजाबाई, और इनका योगदान समाज सेवा रहा है। तीसरे व्यक्तित्व का नाम है भूपेन हजारिका, जो एक संगीतकार हैं। इनका जन्म 8 सितंबर 1926 ईस्वी को, स्थान असम, पेशा संगीतकार। आपको बता दें कि यह भारत रत्न 2019 में 4 वर्ष बाद दिया गया है। इससे पहले 2015 में दिया गया था, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी और मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।